मंगल ग्रह, जिसे हम अपना भविष्य का घर भी मानते हैं। मंगल पर बस्तियां बसाने और इंसानों को भेजने की कोशिश तो बहुत समय से दुनिया भर के वैज्ञानिक और निजी कंपनियां कर रही हैं। वहां पर बस्तियां बसाने को लेकर बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि वहां पर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, वहां का गिरता चढ़ता तापमान, बंजर दूर तक फैली जमीन और पानी की अनुपस्थिति, वहां तक जाना भी बहुत बड़ी चुनौती है, और फिर वहां पर रहने के लिए बस्तियां बसाना तो उससे भी बड़ा काम है। अगर ये मान भी लें हमने इन चुनौतियों से निपट लिया है और अब हम वहां पर बस गए हैं, हमने भोजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन और पानी की आपूर्ति, रहने लायक घर भी बना लिए हैं, पर इन सब के बाद भी एक चीज है जो वहां जाने से वैज्ञानिकों को रोक रही है, डरा रही है। क्या है वो भयानक चीज और क्यों है इतनी खतरनाक? आज की वीडियो में हम इसी पर विचार करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हर 5.5 साल में एक ऐसा इवेंट होता है जिसके चलते नासा और एलन मस्क ह्यूमन कॉलोनी बनाने से डर रहे हैं। आखिर ये इवेंट क्या है और इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मंगल की एक फोटो साल 2018 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ली थी, जिसमें मार्स के सुपर डस्ट स्टॉर्म को समुद्र की लहरों की तरह मार्स के नॉर्थ पोल को निगलते हुए देख सकते हैं। फिलहाल हम मंगल के इन धूल भरे हुए तूफानों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि इनके फॉर्मेशन के कारण मंगल पर होने का कारण एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होते हैं, और इसी टेम्परेचर वेरिएंट के चलते जब इसके पतले वातावरण से गुजरती हुई सूर्य की रोशनी सरफेस से टकराती है, तब इसके सरफेस इसके धरातल पर मौजूद ठंडी हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है, जबकि ऊपर की ठंडी हवा नीचे बने वैक्यूम को फिल करने के लिए, उसे भरने के लिए नीचे की ओर आने लगती है, और इसी से फॉर्म होता है मार्शियन डस्ट स्टॉर्म का, जिन्हें अलग अलग स्पेस एजेंसी अपने मार्स और उसके ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट से ट्रैक करती रहती है। साल 2014 से 2022 तक मंगल के ऑर्बिट में रहे इंडिया के फर्स्ट मंगलयान मिशन ने भी इसी तरह के कई इवेंट को कैप्चर किया है। वैसे यही सिंपल सी लॉजिक अर्थ पर भी स्टॉर्म फॉर्म करती है, यानी कि धरती पर उठने वाले तूफान भी इसी तरह से बनते हैं, लेकिन मंगल पर इस प्रक्रिया में एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड होता है, इसे और ज्यादा खतरनाक, ताकतवर और पूरे प्लेनेट को कवर कर सकने जितना बड़ा बना देता है, और ये एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है मार्शियन डस्ट, यानी कि मंगल पर मौजूद वो पतली धूल। मंगल पर बनने वाले तूफान मंगल की कम ग्रेविटी के कारण आसानी से इन पार्टिकल को एटमॉस्फेयर तक पहुंचा देते हैं, और जब ये ऑलमोस्ट 0.1 mm छोटे पार्टिकल से ऊपर एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, तब ये पार्टिकल्स सूरज से आने वाले हीट को कलेक्ट करके लिटिल रेडिएटर की तरह बिहेव करने लगते हैं, और धीरे धीरे इस गर्मी को अपने चारों ओर की हवा में रिलीज करने लगते हैं। जब ये गर्म हवा फिर से मंगल तक पहुंचती है तो इससे और भी ज्यादा वैक्यूम जनरेट होता है और ये तूफान बड़े होने लगते हैं, जिससे और भी ज्यादा धूल एटमॉस्फेयर में पहुंचने लगती है। इस तरह ये प्रक्रिया कई हफ्तों तक लगातार चलने के बाद हमें मंगल पर एक बड़ा सुपर स्टॉर्म देखने को मिलता है, एक भयंकर तूफान देखने को मिलता है, जो कि इतने बड़े और पावरफुल होते हैं कि कई हफ्तों से लेकर कई महीने तक सूर्य की रोशनी को मंगल की सतह तक पहुंचने ही नहीं देते। साधारणतः मंगल पर छोटे छोटे तूफान हर समय चलते रहते हैं, लेकिन इस तरह के सुपर स्टॉर्म की बात करें तो यह साइकिल में आते हैं। इतने बड़े डिकेड्स रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने यह आइडेंटिफाई कर लिया है कि मंगल पर ये भयंकर तूफान यहां हर 3 मार्शियन ईयर्स में आते हैं, यानी मंगल के 3 साल के अंदर आते हैं, और ये पृथ्वी के 5.5 सालों के बराबर का समय होता है। वैसे आमतौर पर ये बड़े बड़े भयंकर तूफान मंगल की साउदर्न होमोस्फीयर में देखने को मिलते हैं, जिसका पॉसिबल कारण मंगल का सूरज के चारों ओर इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमना बताया जाता है, जिसमें यह अपने ऑर्बिट में कुछ समय के लिए सूरज की काफी नजदीक चला जाता है। तो फिर इसे लॉजिक से तो हर साल मंगल पर एक बहुत बड़ा तूफान आना चाहिए, जो कि हमें देखने को नहीं मिलता। हालांकि ये रहस्य भी अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। ये रहस्य
आज भी बरकरार है और वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि जब सूरज के नजदीक जाने से यह तूफान बनता है तो मंगल पर यह 3 साल में क्यों आता है, हर साल क्यों नहीं आता। चलिए अब बात करते हैं अपने द मार्शियन के मूवी के सीन पर, जिसमें मार्शियन मूवी की शुरुआत एक बहुत बड़े तूफान से होती है जो कि इतना ताकतवर होता है कि हमारे मेन एक्टर एस्ट्रोनॉट मार्क वॉटनी को दूर तक धकेल देता है और साथ ही एक एंटीना भी तोड़ देता है। मगर फिल्म के तौर पर देखा जाए तो काफी पावरफुल सीन है, लेकिन रियलिटी तो इस सीन के आसपास भी दिखाई नहीं देती। ये बिल्कुल साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मंगल पर आने वाले किसी भी हवा की स्पीड इतनी नहीं होती कि वो किसी इंसान या एंटीना को हवा में उड़ा सके। मंगल के पूरे प्लेनेट को निगल जाने वाले इन बड़े बड़े धूल के तूफानों की मोस्ट पावरफुल हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, जो कि धरती पर आने वाले हरिकेन की स्पीड से भी आधी ही है। लेकिन दोस्तों, तूफान इतने ज्यादा कैपेबल भी हैं कि हमारी अच्छी भली बिलियन डॉलर्स की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से खराब कर सकते हैं। ये हमारे सैटेलाइट को मंगल के ऑर्बिट से ही ड्रैग करके मंगल के सरफेस पर क्रैश करा सकते हैं। आखिर कैसे? भला ये मंगल के तूफान हमें उड़ाकर फेंक नहीं सकता, इसके बावजूद ही हमारे किसी भी तरह के मिशन को पूरी तरह से खत्म करने के काबिल कैसे हैं, फिर चाहे वो इंसान के साथ हो या फिर उनके बिना हो। हालांकि अभी तक मनुष्य यहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 2 दिसंबर 1971 में सोवियत संघ के मार्स 3 मिशन को सक्सेसफुली इसके सरफेस पर लैंड करने के बाद अलग अलग स्पेस एजेंसी द्वारा मंगल पर कई रोवर और लैंडर भेजे जा चुके हैं, जिनका मंगल पर रहकर अर्थ तक यानी कि पृथ्वी तक डेटा पहुंचाने में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो यही धूल के तूफान आते हैं। क्योंकि मंगल पर हम इंसानों द्वारा भेजे जाने वाले ज्यादातर मिशन सोलर पावर से चलते हैं, जिसके लिए इन पर बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए जाते हैं। इसका लॉजिकल रीजन ये होता है कि मंगल पर एटमॉस्फेयर काफी पतला है, उसके सरफेस पर काफी ज्यादा सूर्य की रोशनी रिसीव होती है और इनकी बैटरी लगातार चार्ज होती रहती है और ये निरंतर काम करते रहते हैं। हाँ, ये न्यूक्लियर बैटरी से काफी ज्यादा सेफ हैं और सस्ते हैं, लेकिन ये मंगल की धूल लैंडर और रोवर के इन्हीं सोलर पैनल पर चिपक कर सूर्य की रोशनी को ब्लॉक करना शुरू कर देती है, और जब इस तरह के बड़े बड़े डस्ट स्टॉर्म आते हैं तो पूरी तरह से मंगल के एटमॉस्फेयर को ढक लेते हैं, जिसके कारण सूर्य की रोशनी सतह तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए वैज्ञानिक मंगल की सतह पर सूर्य की रोशनी की एबिलिटी को मेजर करने के लिए एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ और AOD टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें देखा जाता है कि मार्स का एटमॉस्फेयर द्वारा कितनी लाइट को अब्सॉर्ब और रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। हमारे मार्शियन रोवर और लैंडर को चार्ज होने के लिए 2 AOD की जरूरत होती है। मंगल पर यह साधारणतः 0.5 से 0.6 AOD की होती है। इन सुपर डस्ट तूफानों के दौरान इतनी धूल होती है कि मंगल का AOD 9 से लेकर 11 के बीच तक पहुंच जाता है। इस दौरान मंगल की सतह पर सूर्य की रोशनी न के बराबर पहुंचती है और इसके परिणाम स्वरूप पहले से ही डस्ट पार्टिकल जमा इस सोलर पैनल को अब इन स्टॉर्म के कारण बिल्कुल भी सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है, जिससे ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, और इसी तरह से डस्ट स्टॉर्म मार्स पर मिशंस का अंत कर चुके होते हैं। जैसे साल 2003 में लॉन्च अपॉर्चुनिटी मिशन जो 15 साल से मार्स पर काम कर रहा था, लेकिन साल 2018 में आए एक इसी धूल भरे तूफान के चलते इसके सोलर पैनल्स पर इतनी ज्यादा धूल के पार्टिकल जमा हो गए कि न चाहते हुए भी नासा को इसे हाइबरनेशन मोड में डालना पड़ा। इस बड़े स्टॉर्म के दौरान 10 जून 2018 को अपॉर्चुनिटी रोवर का लास्ट मैसेज था, माय बैटरी इज लो एंड इट इज गेटिंग डार्क। इस समय मंगल पर 3 ही रोवर एक्टिव हैं, जिनमें नासा के 2 रोवर और एक चाइना का जुरोंग रोवर है। तो दोस्तों, ये सुपर डस्ट स्टॉर्म पूरे प्लेनेट को कवर करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में आप चाहे किसी भी पावर सोर्स का प्रयोग न करें, लेकिन आपके सिग्नल मार्स के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाएंगे, जिसका मतलब है कि वो पृथ्वी पर कोई भी सिग्नल नहीं भेज पाएंगे। अब जानते हैं आखिर ये धूल भरे तूफान ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट को खत्म कैसे करते हैं, उन्हें तबाह कैसे करते हैं। जब धूल भरे तूफान के कारण
डस्ट पार्टिकल मार्स के एटमॉस्फेयर में पहुंचकर उसे गर्म करते हैं तो इससे पूरे मार्स का एटमॉस्फेयर एक्सपेंड हो जाता है, जिसके कारण अब मंगल का एटमॉस्फेयर स्पेस में और भी ऊपर तक फैल जाता है, जिसके चलते हमारे जो सैटेलाइट है मंगल के लोअर ऑर्बिट में काफी क्लोज रहकर मंगल की सरफेस की ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस पर निगरानी रखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। वो इस एटमॉस्फेयर में ड्रैग होकर मंगल की ग्रेविटी के चलते मंगल पर क्रैश हो सकते हैं और एक यही बड़ी समस्या है। इसलिए हर बड़े बड़े डस्ट स्टॉर्म के दौरान सैटेलाइट को इससे बचाने के लिए स्पेस एजेंसी अपने आर्टिफिशियल मार्स सैटेलाइट को ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए बदलाव करती है, उसकी ऑर्बिट में बदलाव करती है। लेकिन इस दौरान इन्हें सैटेलाइट के ऑर्बिट को परफेक्ट करने में जो सैटेलाइट के अंदर फ्यूल होता है उसे बर्न करना पड़ता है, इसके चलते मार्स ऑर्बिटर सैटेलाइट की जिंदगी कम हो जाती है, यानी कि उसमें जो फ्यूल होता है वो इस्तेमाल हो जाता है और फिर वो लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। फिलहाल दोस्तों अभी हम अपने लैंडर और रोवर को मंगल पर आने वाले इस धूल भरे तूफान से बचा नहीं पा रहे हैं, तो आने वाले समय में यदि हमने वहां पर कॉलोनी बसा ली तो हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? क्या फ्यूचर मार्स कॉलोनी में सोलर पैनल से ही एनर्जी जनरेट की जाती है? तो इन सोलर पैनल का हाल वही होगा जो हमारे करंट लैंडर और रोवर का हो रहा है, क्योंकि वहां पर आप लकड़ियां जलाकर चूल्हा नहीं जला सकते, न ही वहां पर आपके पास एलपीजी सिलेंडर होगा और न ही आप वहां पर किसी थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है वो है सूर्य की रोशनी और वो आपको एक लंबे समय तक मिलेगी नहीं। इस तरह से मानव और मानव बस्तियां दोनों तबाह हो जाएंगे। बिना एनर्जी के मंगल के ठंडे वातावरण में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और शायद नामुमकिन भी हो जाए और वहां पर बसी बस्तियां एक बार फिर से इसी बेजान ग्रह में बेजान बनकर रह जाएं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, सबसे बड़ा खतरा मंगल पर कॉलोनी बसाने में ये धूल भरे तूफान है या फिर कोई और? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।